बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आज मैं आया हूँ रेलवे स्टेशन। जाती बात रेलवे स्टेशन देख रहा हूँ तो रेलवे स्टेशन ही आया हूँ। यहाँ पे मैं आया हूँ तेजगाम में, डैडी कार एक नई लगी है, बड़ी खूबसूरत अच्छी लॉन्च की है, पहले भी लॉन्च करते रहे और अभी फिर से उन्होंने लॉन्च किए, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डैडी कार है। डैडी कार की सारी अच्छी होती है, बहुत मज़ेदार खाना भी होता है, मैंने खाया और आए आज देखते हैं कैसा खाना है और कैसी डैडी कार है, कैसा माहौल है और अच्छे माहौल होना चाहिए। दिखाते हैं आपको हम, ये देखिए ये इसकी डाइनिंग, ये देखिए भाई ये है डाइनिंग कार इसकी। ये भाई त्रितेज गांव की डाइनिंग रेनोवेशन हो गई है, वाह बिल्कुल चिल्ड हुई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फुल एसी देख रहे हैं आप। ये लीजिए भाई, ये है बेहतरीन मंजर, ये देख रहे हैं आप, ये है तेजगाम की न्यू डाइनिंग। वाह क्या बात है, ऐसा लग रहा है किसी बहुत अच्छी जगह आके हम बैठे हैं, अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठे हैं। ये देखिए आप पीछे मेरे, बेहतरीन है भाई, शानदार डाइनिंग बनाई है, बहुत अच्छी तमाम मीडिया वाले यहाँ पे इस वक्त आए हुए और ये ज़्यादातर जितने भी हैं ये ट्रेन के यूट्यूबर्स हैं इसको करते हैं। और ये देखिए ये है डबल, ये डबल चेयर पे, ये डबल चेयर पे देखिए, ये बाहर का मंदिर, ये देख रहे हैं लो जी भाई, बाथरूम साफ करो, ये देख रहे हैं आप बेहतरीन सिलसिला है। क्रॉकरी, क्रॉकरी देख रहे हैं आप भाई, शानदार क्रॉकरी इस्तेमाल कर रहे हैं, नया लोकल है यार, देख रहे हैं। अच्छा जी स्टोरेज दिखाया था और ये अभी दिखा रहा हूँ किचन, ये देखो भाई सारे जदीद उन्होंने, ये देख रहे हैं आप ज़बरदस्त किस्म के ये ओवन है, ये देखें आप अच्छी शानदार है, देख रहे हैं? ये देखें ये अभी शुरू करेंगे इसमें आपने, और ये डाइनिंग तो मैं पहले आपको दिखाई चुका हूँ, शानदार किस्म की डाइनिंग है। और जनाब आली तेज काम की मैंने आपको अभी अंदर से दिखाई दी, आपको डाइनिंग पूरी दिखाई मिल रही है।
60 एट अ टाइम 25 पैसेंजर इसमें आराम से बैठ सकते हैं और 40 डिफरेंट जो आपके खाने और खुराक की चीज़ें हैं उसके मेन्यू है इसमें अराउंड लेकर तमाम पैसेंजर्स को अवेलेबल होगी। तो इंशाल्लाह इसमें हाइजीनिक है, फूड है, साफ़ सुथरा होगा और तमाम पैसेंजर इसको इंजॉय करेंगे। बिल्कुल। और जो 7UP है वो वैसी भी एक ऐसी ट्रेन है हमारी कि ये फुल पैकेज ट्रेन है। ये लाहौर से पिंडी बहुत पुरानी ट्रेन है और पिंडी से लाहौर, और इसमें एसी स्लीपर, एसी बिजनेस, एसी स्टैंडर्ड, इकोनॉमी, तमाम क्लासेस के कोचेज अवेलेबल है और तमाम क्लासेस के पैसेंजर अवेलेबल है। और ये तमाम क्लासेस के पैसेंजर्स के लिए एक ही किस्म का मेन्यू और जिस चॉइस के साथ वो करना हुआ है, तो मैं अल्लाह ताला से का शुक्र गुजार हूँ कि हमें और हिम्मत दे और जज्बा दे ताकि हम उसे। सर, इस ट्रेन का टिकट कितना हुआ कराची टू लाहौर? ट्रेन का टिकट किसकी, आप इकॉनमी की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को एसी बिजनेस की बात कर रहे हैं या इकॉनमी का? सर, क्या टिकट होगा, वही होगा जो पहले था इसका, या उसमें कोई असर पड़ेगा? नहीं नहीं, इसका टिकट से कोई ताल्लुक नहीं, टिकट का ताल्लुक जो हमारे स्टैंडर्ड है वही है, पुरानी ट्रेन है वही टिकट होगा, वही टिकट है, वही चीजें हैं, सिर्फ डाइनिंग कार की एक फैसिलिटीज उनको मुहैया बस, और फैसिलिटीज बढ़ गई है उसमें, फैसिलिटीज बढ़ गई। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा भाई, देखा आपने, फिदा हुआ है अभी इस ट्रेन का, इसका डाइनिंग कार का, तेजगाम पुरानी ट्रेन है। अच्छा, ये याद रखिएगा जो इसके जो टिकट है ना, वो जो पुराने टिकट जो इस रेट पे थे उसी रेट पे होंगे। आपको फैसिलिटीज़ इन्होंने डाइनिंग की अच्छी कर दी है, बढ़ा के दे दिए, और खाना जो इसका कॉन्टिनेंटल होगा सारा, जो आपको फर्स्ट क्लास में मिलता है वही यहाँ पे मिलेगा, चाहे वो इकोनॉमी में सफ़र कर रहा हो चाहे वो फर्स्ट क्लास में कर रहा हो, उसको खाना एक जैसा मिलेगा। और सिटिंग एरिया इसका बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, और इसमें ज़रूर सफ़र करें, बड़ा मज़ा आता है भाई। कराची से पिंडी का बहुत मज़ा आता है, इसमें मैंने बड़े सफ़र किए हैं। और ऐसे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन दबाकर, बहुत बहुत शुक्रिया।